तो स्पेशली मैं सुपर हीरोज का बहुत बड़ा फैन हूँ और अगर मेरी मर्जी चले तो मैं एक दिन में 25-25 घंटे सुपर हीरोज के बारे में बात कर सकता हूँ। लेकिन मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिन्होंने मूवीज देख ली, कॉमिक भी देख ली, लेकिन आज तक मार्वल की कोई वेब सीरीज नहीं देखी। अब आप ये पूछोगे कि भाई क्यों नहीं देखी तूने मार्वल की वेब सीरीज, तो सबसे पहली बात मुझे देखना पसंद नहीं, दूसरी बात मैंने डेयरडेविल का फर्स्ट एपिसोड देखा है, और तीसरी बात मैं गरीब हूँ जिसके पास वेब सीरीज देखने के पैसे नहीं है। एनीवे, लेकिन अगर मार्वल ऐसी सीरीज हमें लाकर दे जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे मार्वल फैंस वो वेब सीरीज देखना पसंद करेंगे। हालांकि ये बात बेशक अलग है कि ये सीरीज कभी नहीं आने वाली, लेकिन हमारा सोचने में क्या जाता है। तो सबसे पहली सीरीज है कैप्टन अमेरिका की, जिसमें हमें स्टीव रॉजर्स वापस देखने मिलेगा। सीरीज 7 से 8 एपिसोड की हुई तो भी चलेगा, लेकिन इस सीरीज के चलते हमें ये दिखाया जाए कि कैप्टन ने एंड गेम में कलेक्ट किए हुए इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस कैसे किया, क्योंकि हम ये सब देख चुके हैं कि एवेंजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स को कैसे कलेक्ट करते हैं। अब बाय चांस अगर आप भूल गए हो तो मैं याद दिला दूँ, टाइम स्टोन हल्क ने लिया था न्यूयॉर्क एंशंट वन से, रियलिटी स्टोन एके इथर रॉकेट ने लिया था जेन फोस्टर के बॉडी से, लेकिन तब जेन एसगार्ड में थी। एसगार्ड जेन का होने वाला ससुराल जो कि बाद में डिस्ट्रॉय हो गया। एनीवे, रोडी ने पावर स्टोन मोरेक से चुराया था, माइंड स्टोन कैप्टन ने खुद को ही धोखा देकर ले लिया, सोल जेम हॉकाय को वॉरमेयर पर मिला, लेकिन ब्लैक विडो मर गई बेचारी। पर अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। और न्यू जर्सी में टोनी को मिला स्पेस स्टोन। लेकिन क्या हो अगर हमें ये दिखाया जाए कि कैसे कैप्टन ने सारे स्टोन्स को वापस किया। ऑफ कोर्स एंशिएंट वन को सब पता था, इसलिए टाइम स्टोन देना कोई बड़ी डील नहीं है, लेकिन इथर यानी रियलिटी स्टोन को लिक्विड के फॉर्म में करना और बाद में जेन फोस्टर के अंदर डालना एक चैलेंज है, क्योंकि एसगार्ड में सिक्योरिटी टाइट है, और हेमडाल जिसे सब पता है कि एसगार्ड में कहां पर क्या हो रहा है, और हेमडाल के होते हुए एसगार्ड में एंटर करना और जेन फोस्टर के अंदर इथर डालना कैप्टन के लिए एक चैलेंज है। फिर पावर स्टोन को स्टार लॉर्ड के आने से पहले रखना, माइंड स्टोन को वापस स्पेक्टर में रख देना, वो भी पास्ट वाले कैप्टन के जागने से पहले, स्पेस स्टोन को रखना आसान है कैप्टन के लिए, बस छुप छुप के काम करना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे हार्ड है वो है सोल जेम को रिटर्न करना, क्योंकि रेड स्कल की जो हालत है उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं कैप्टन है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैप्टन और रेड स्कल के बीच फाइट ना हो। और इस सीरीज से हमें पता चल जाएगा कि कैप्टन ने इन्फिनिटी स्टोन्स को अपनी जगह पर वापस कैसे रखा, और हमारे कुछ डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, जिससे रियलिटी स्टोन को वापस इथर बनाने का तरीका हमें देखने मिल जाएगा, और सोल जेम को रिटर्न कैसे करते हैं वो भी हमें क्लियर हो जाएगा। सेकेंड सीरीज आयरन मैन पर बेस्ड है। अब मैं आयरन हार्ट सीरीज की बात नहीं करूंगा, बल्कि एक ऐसी सीरीज जिसमें टोनी स्टार्क और आयरन मैन की कास्ट हो। सीरीज कितने भी एपिसोड की हुई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस सीरीज में हमें दिखाया जाए वो सब जो हमने मूवी में मिस किया। जैसे टोनी स्टार्क ने तब क्या किया जब उसके माता पिता की डेथ हो गई थी, जार्विस ने टोनी को कैसे संभाला, जार्विस की डेथ, टोनी के रिलेशनशिप अपने वर्कर्स और फ्रेंड्स के साथ, और जो हम सारे आयरन मैन फैंस देखना चाहते थे जो है मार्क 51 से मार्क 84। अब आप आयरन मैन के फैन हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आयरन मैन के सूट को सूटअप करके उसे इस्तेमाल होते देखना सबको अच्छा लगता है। लेकिन एमसीयू में हमें कभी ये देखने नहीं मिला कि मार्क 51 से मार्क 84 तक के आर्मर्स का आखिर हुआ क्या, क्योंकि थैनोस की वजह से मार्क 50 आर्मर टूट गया था, और एंड गेम में हमें देखने मिला सीधा मार्क 85। बाकी आर्मर्स का हमें हिंट तक नहीं दिया गया। लेकिन अगर टोनी स्टार्क के लाइफ की वो जर्नी जो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच की जो 5 साल थे उसमें कवर हुई है वो देखने मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ऊपर से हमें ऐसे आर्मर्स देखने मिलेंगे जो एमसीयू में हमें कभी नहीं देखने मिले, और टोनी यानी हमारे आरडीजे को वापस आयरन मैन के रोल में देखना वो तो बात ही अलग है। लेकिन अच्छा होगा अगर ये सीरीज एक स्टोरी टेलिंग वे में दिखाई जाए, जैसे टोनी जब आयरन मैन नहीं था उससे पहले की स्टोरी हमें पेपर पॉट्स, हैप्पी या रोडी बताए, और एंड गेम के बाद जो टोनी के इवेंट थे वो मॉर्गन बताए, छोटी वाली नहीं बड़ी वाली। छोटी वाली को तो ठीक से बोलना तक नहीं आता, हाँ ये बात बेशक अलग है कि उसे गालियाँ देना आता है, लेकिन जो भी हो सीरीज देखने में तो मजा आएगा।
और थर्ड सीरीज है थॉर की। अब थॉर की सीरीज एक डार्क सीरीज हो सकती है। अब मैं डीसी वाले डार्क की बात नहीं कर रहा हूँ। डार्क मतलब एक इमोशनल और डिप्रेशन से भरे हुई थॉर की स्टोरी। अब हम ये सब देख चुके हैं कि जब एंड गेम में हल्क थॉर से मिलता है तब थॉर कितना ज़्यादा डिप्रेशन में था। अब जिन्हें नहीं पता थॉर डिप्रेस क्यों था, तो थॉर ने अपने मम्मी को खो दिया अपने आँखों के सामने, ओडिन मर गया थॉर की आंखों के सामने, जेन फॉस्टर से ब्रेकअप हो गया, लोकी मारा गया, एसगार्डियंस मर गए जिनके साथ थॉर पिछले 1500 सालों से रह रहा था, टेक्निकली थॉर की बहन मर गई, एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो गया, म्यूनियर टूट गया, और एक टाइम ऐसा था जब थॉर के पास अपना बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन जब थैनोस ने थॉर के मुँह के सामने स्नैप किया, उसके बाद थॉर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि थॉर कहीं ना कहीं अपने आप को जिम्मेदार मानता था लोगों के मौत का। थॉर चाहता तो एक झटके में थैनोस को मार सकता था, लेकिन बदला लेने के चक्कर में थॉर ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से हाफ पॉपुलेशन डिसइंटीग्रेट हो गई। लेकिन हमें नहीं पता कि थॉर ने अपने डिप्रेशन के दिन कैसे गुजारे थे। अब ये बात तो पक्की है कि थॉर हमेशा फोर्टनाइट नहीं खेलता होगा, तो हमें एक इमोशनल वे में ये दिखाया जाए कि थॉर ने क्या किया जब वो डिप्रेस था, थॉर ने एसगार्डियंस को स्टार्टिंग में कैसे संभाला, और एसगार्डियंस अर्थ पर ह्यूमन के साथ कैसे खुद को सेटल करते हैं। हालांकि थॉर को कोई एक डार्क वे में अब देखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि रैग्नारोक के बाद थॉर ज़्यादा सीरियस अच्छा नहीं लगता है। हाँ, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हमने बहुत बातें कर ली, तो आज हमने बात की मार्वल के ट्रिनिटी सीरीज पर। लेकिन अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मैंने न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज ज़रूर करना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी डिटेल वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो है उल्टी में तुमका 4th इशू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।